अपनी बुकलेट में चेक कर सकते हो। तो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर किया, एन टाइप के अंदर हमने पेंटावेलेंट एटम को डाल दिया, जैसे आर्सेनिक, इसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके आसपास आसपास घूमता रहता है। और फिर हमने क्या किया, इसमें डोनर एनर्जी स्टेट किया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने पी टाइप करवाया, पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो एटम डाला जाता है वो ट्राइवेलेंट होता है, और ट्राइवेलेंट में एक होल क्रिएट कर दिया जाता है, इसके पास तीन ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, चौथा तो है ही नहीं। और इसमें एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट क्रिएट कर दी जाती है, तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर डिफरेंस आएगा, डिस्टिंक्शन लिखो, फर्क लिखो, ये पेपर में आता है, फर्क लिखो, डिफरेंस लिखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। तो पहला क्या इसमें डिफरेंस है, इंट्रिंसिक में इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर जो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिला हुआ है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती। और एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या है, इसमें इंप्योरिटी होती है। नेक्स्ट है जो आपका इंट्रिंसिक है, इसका एग्जाम्पल है प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम, इसका एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल है प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फरस एटसेट्रा डोपेंट डाले जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में सेम होते हैं, एन इज इक्वल टू एन एच होता है इसमें, और इसके अंदर सेम नहीं होते। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर होल्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, सेमीकंडक्टर जो प्योर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इम्प्योर की ज़्यादा है, क्योंकि डोपेंट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इसमें क्रिएट कर जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हमें फ़ायदा होता है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है प्योर की, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सही है, ये तो सही है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे जो आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बढ़ेगा और होल करंट भी बढ़ेगा। लेकिन वहां पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंट नहीं करती, टेम्परेचर पे तो करती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में गए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो तो फायदा देंगे ही देंगे, साथ में डोपेंट भी तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और डोपेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं होल्स, उसका भी हमें फायदा मिलने वाला है। तो इसके अंदर डोपेंट की अमाउंट इसमें मैटर करती है अलोंग विद द टेम्परेचर ऑल्सो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर को फायदा होता है और आपके इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कहां शिफ्ट हो जाते हैं, कंडक्शन में, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फायदा होता है। पर अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें तो ऑलरेडी डोपेंट ने इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं, तो उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ती है। तो ये डिफरेंसेस आपने इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट है